हेलो एवरीवन, एनिमेशन एग्रीगेट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टोस्टर को फाइनलाइज़ कर लेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसका मॉडल स्टार्ट किया था। हमने यहाँ पे फ्रंट पैनल, स्विच एंड बॉडी रफली मॉडल कर ली थी। अब यहाँ पे इसी मॉडल को हमें फाइनलाइज़ करना है। अब यहाँ पे ना सबसे पहला काम मैं करने वाला हूँ, ये जो फ्रंट पैनल है ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो गया, तो मैं इसके वर्टाइसेस सिलेक्ट कर लूँगा एंड इन वर्टाइसेस को हम सबसे पहले तो नीचे कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें प्रॉपर स्पेस मिलेगी स्विचेस लगाने के लिए। एंड सेकेंड थिंग, इसको आइसोलेट कर लेता हूँ मैं पर्सपेक्टिव में आके पहले। एंड देन यहाँ पे अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो मेरे ख्याल से यहाँ पे है ना एक्स्ट्रा वर्टाइसेस क्रिएट हुए थे मिरर में। तो मैं अगर वर्टेक्स में आके चेक करता हूँ तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा वर्टाइसेस दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक कर रहा हूँ एंड मर्ज वर्टाइसेस में आके मर्ज वर्टाइसेस टू सेंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे ये वर्टेक्स मर्ज हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं साइड व्यू में आता हूँ, बैक साइड में आता हूँ सॉरी, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई है। देखो, ओके, सो सेम हम यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करके उन्हें मर्ज वर्टाइसेस में आएंगे एंड मर्ज टू सेंटर कर देंगे। तो ये वर्टाइसेस यहाँ पे मर्ज हो चुके हैं। अब सेकेंड थिंग, ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे एंड जो रेफरेंस इमेज हमारा है उस रेफरेंस इमेज को हम ओपन कर लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्विचेस कहाँ कहाँ पर है वो देखना होगा एक बार, राइट। तो ये हमारा मेन रेफरेंस इमेज था और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 3 स्विचेस है जो मेन है, एक है डिफ्रॉस्ट का, एक है रीहीट का एंड एक है कैंसिल का। ओके, और यहाँ पे 3 लाइट्स भी है, LED लाइट्स। तो ये 3 लाइट्स और ये 3 स्विचेस हम पहले मॉडल कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक होल है, इसे भी हमें क्रिएट करना होगा। तो बट पहले हम यहाँ पे स्विचेस का मॉडल कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रंट व्यू में आ जाएंगे एंड फ्रंट व्यू में आकर यहाँ पे देखो, देखने के लिए ना थोड़ा सा ये हाईलाइट हो रहा है टेक्सचर। सो अगर मैं एट्रीब्यूट एडिटर में आ जाता हूँ, इस पर जो भी हिस्ट्री है वो पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे लैम्बर्ट 1 है, ओके, लैम्बर्ट 1 को मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ओके, तो जो हाईलाइट उस पर आ रहा है वो वहाँ से निकल जाएगा और ये थोड़ा सा उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं रहेगा। ओके, अब यहाँ पे 1 प्रेस करते हैं एंड 1 प्रेस करने के बाद सबसे पहले तो हम स्विच मॉडल कर लेते हैं। ओके, स्विच मॉडल करने के लिए ऑब्वियसली हमें एक सिलेंड्रिकल शेप लगेगा। सिलेंड्रिकल शेप को मैं सामने की तरफ ले लेता हूँ एंड इसे रोटेट कर लेते हैं बाय प्रेसिंग एंड होल्डिंग जे। दैट मीन्स 15 डिग्रीज के इंटरवल में ये स्नैप होगा। अगर मैं यहाँ पे रोटेशन टूल में आ जाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये 15 डिग्रीज में स्नैप होता है। ओके, स्टेप स्नैप कहते हैं उसे और उसका शॉर्टकट है कीबोर्ड पे जे। तो अगर मैं जे प्रेस करता हूँ एंड इसे होल्ड करके रखता हूँ तो ये 15 डिग्रीज में रोटेट होगा। एग्जैक्टली 90 डिग्रीज में मैंने इसे रोटेट कर लिया। अब यहाँ फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और इसकी पोजिशन मुझे देखनी है, तो अराउंड यहाँ पर कहीं मुझे उसे रखना होगा। सो इससे पहले तो मैं स्केल कर लेता हूँ, ओके, एंड यहाँ नीचे की तरफ लेके आते हैं। ओके, यहाँ कहीं हमें ये स्विच को रखना है। सो इसे थोड़ा सा स्केल कर रहा हूँ मैं ऐसा। ओके, सो अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे स्विच को प्लेस करने के लिए हमारे पास ज़्यादा डिविजन्स है नहीं। ओके, मैं स्विच के बैकवर्ड बैक फेसेस डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि वैसे भी वो दिखने वाले नहीं है। एंड यहाँ पे एज में आ जाते हैं, एज में आके इस एज को हम बेवल कर देते हैं एंड यहाँ पे फ्रैक्शन को थोड़ा सा कम करके यहाँ पे एक सेगमेंट ऐड कर लेंगे। ओके, अब अगर 3 भी प्रेस करते हैं तो वो प्रॉपरली स्मूथ होगा, लेकिन उससे पहले डिलीट करने से पहले मुझे ये भी ध्यान रखना होगा कि इसके जो डिविजन्स हैं उन डिविजन्स को हमें यहाँ पे 8 डिविजन्स कर लेना है। ओके, सो अब हम इसके फेसेस डिलीट कर सकते हैं। ओके, एंड इसे बेवल भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन रिड्यूस करेंगे एंड एक सेगमेंट ऐड कर लेंगे। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे एंड इसे पीछे की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पे है ना हमें एक होल क्रिएट करना है। ओके, मुझे अराउंड यहाँ पे इसे रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ नीचे वो नाम वगैरह भी लिखा हुआ है तो स्पेस चाहिए उसके लिए, राइट। सो अराउंड यहाँ पे हमें इसे रखना है एंड मुझे यहाँ पे डिविजन्स भी क्रिएट करने हैं। तो डिविजन्स क्रिएट करने के लिए सिंपली अगर हम इसको स्मूथ कर लेते हैं तो भी हमें यहाँ पे डिविजन्स मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये जो हमारी एजेस है ना ये थोड़ी सी देखो इनसाइड गई हुई है, तो मैं पहले ही इन एजेस को स्ट्रेट कर लेता हूँ। इसे सिलेक्ट कर लेते हैं,
आर प्रेस करते हैं एंड इसे स्ट्रेट कर लेते हैं। ओके, सेम चीज़ मैं इसके साथ भी कर रहा हूँ, इसे भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। और ये जो वर्टाइसेस है, ये देखो ये बाहर की तरफ आया है एंड ये वाले यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और ये देखो एक अलाइनमेंट में नहीं है। सो मैं वर्टेक्स मोड में आ रहा हूँ एंड वर्टेक्स में आके इन वर्टाइसेस को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, और इन्हें स्ट्रेट कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं एज अब ऐड कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो वो एजेस भी एंगल में क्रिएट होगी और हमें एंगल में एजेस नहीं चाहिए, हमें स्ट्रेट एजेस चाहिए, राइट। सो उसके लिए हमने यहाँ पे इन सबको स्ट्रेट कर लिया है। ओके, अब ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट मोड में आके ऑब्वियसली मुझे इसको मिरर कर लेना होगा क्विकली, नहीं तो फिर इस साइड में भी मैन्युअली करना होगा। तो मैन्युअली करने के बजाय मैं यहाँ पे क्विकली मिरर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में हमने इसे सिलेक्ट करके रखा है, मैं शिफ्ट राइट क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मार्किंग मेन्यूज में देखो मिरर आ रहा है। अब मिरर के ऑप्शंस में आ जाते हैं, मुझे पता है कि ज्योमेट्री एक्सिस जो है एक्स है, वर्ल्ड एक्सिस, एंड मुझे इसको एक्स पॉजिटिव में मिरर करना है। देखो ये निगेटिव पॉजिटिव है यहाँ पे, सो इसको मैं अगर अप्लाई कर देता हूँ तो ये एग्जैक्टली मिरर हो जाएगा। एंड थ्री प्रेस करके एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कि एग्जैक्ट हुआ या नहीं, क्योंकि कई बार है ना मिररिंग में इश्यूज क्रिएट होते हैं, वर्टाइसेस वगैरह एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाते हैं जैसे पहले हमें दिखा था। ओके, सो ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ नहीं है, सो फाइन। ओके, एंड ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। अब वन प्रेस करते हैं एंड मैं ना एक एज ऐड कर रहा हूँ पहले, तो क्योंकि है ना यहाँ पे इसको होल्ड नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पे मैं एक एज मैन्युअली पहले ही ऐड कर लेता हूँ। ओके, एंड ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं एंड थ्री प्रेस करते हैं। तो अब ये जो है ये थोड़ा सा देखो प्रॉपरली होल्ड होगा, लेकिन अंडो फाइनल जब हम करेंगे तब इसको हम एज ऐड करते अभी रहने देंगे। ओके, सो इसको मुझे पहले तो स्मूथ करना है। ओके, तो स्मूथ करने के लिए मैश में आ जाएंगे, यहाँ से स्मूथ कर देंगे। ओके, जब भी हम इसे स्मूथ करते हैं ना तो ये इसको 4 से मल्टीप्लाई करता है। देखो अब यहाँ पे हमारे पास एजेस है। अब एजेस अगर हम ध्यान से अगर देखते हैं ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और इसको अगर थोड़ा सा हम नीचे करते हैं, अल्ट 5 प्रेस कर रहा हूँ मैं फॉर वायर मॉड्यूल, तो हमें ये एज एग्जैक्ट मिल जाएगी यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे ये स्पेस भी है। अब अगर इन फेसेस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में, वन प्रेस करेंगे पहले एंड इन फेसेस को पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब मेक श्योर कि आप फ्रंट एंड बैक दोनों साइड के फेसेस सिलेक्ट कर रहे हो, नॉट जस्ट फ्रॉम फ्रंट साइड। ओके, एंड इसको हम एक्सट्रूड कर लेंगे। अब एक्सट्रूड करने के बाद है ना इसको हम ऑफसेट में इनसाइड पुल कर लेंगे एंड ये जो वर्टाइसेस है इन वर्टाइसेस को क्विकली मैं पोजिशन कर लेता हूँ यहाँ पे। इन वर्टाइसेस को मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि ये जो सेंटर लाइन है ना ये सेंटर लाइन पे प्लेस हो जाए एंड देन इनको हम मैन्युअली इस स्विच के शेप में। अब ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि ये जो सेंटर का वर्टेक्स है ना, इन वर्टाइसेस को आपको प्रॉपर रखना, अदरवाइज वो जब हम मिरर करेंगे दोबारा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, सो ध्यान रखो कि वो सेंटर का जो वर्टेक्स है वो प्रॉपर रहेगा। ओके, सो यहाँ पे हमने एक बेसिक सा शेप क्रिएट कर लिया। अब फिर से मैं फेसेस में आ रहा हूँ, फिर से इन फेसेस को हम एक्सट्रूड कर लेंगे और इसे फिर से एक बार हम ऑफसेट दे देंगे। ओके, ऑफसेट देने के बाद इन वर्टाइसेस की जो पोजिशन है इस पोजीशन को मैं वापस एक बार करेक्ट कर लेता हूँ। और ध्यान रखना होगा कि जब भी आप इसे मूव कर रहे हो ना तो आप फ्रंट एंड बैक दोनों साइड के वर्टाइसेस सेलेक्ट कर रहे हो, सिर्फ फ्रंट साइड के नहीं, नहीं तो यहाँ पे है ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ओके, प्रॉब्लम ऐसे क्योंकि दोनों साइड के फेसेस मुझे डिलीट करना है, सिर्फ एक साइड का फेस मुझे डिलीट नहीं करना है। सो इस सिचुएशन में अगर दोनों साइड में अगर आप प्रॉपरली उन्हें प्लेस नहीं करोगे तो फिर वो जो एजेस है वो फॉलो नहीं करेगी और जब हम उसको ब्रिज करने जाएंगे तो वो ब्रिज नहीं होगा। ओके, सो ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे एंड फेसेस सिलेक्ट कर लेंगे वापस, ये जो फेसेस है और इन्हें हम डिलीट कर देंगे। ओके, ऑब्जेक्ट मोड एंड आइसोलेशन में आ जाएंगे क्विक। तो यहाँ पे हमारे पास अब एक होल है, इसे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ एंड इसे भी मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करके क्विक
एक ब्रिज अप्लाई कर देंगे। सो ब्रिज करने के बाद हम इसको बेवल कर लेंगे, कंट्रोल बी, फ्रैक्शन को कम करेंगे एंड एक सेगमेंट ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट मोड। ओके सो यहाँ पे हमारे पास एक शेप है, थ्री प्रेस करते हैं देखो, ओके वन एंड आइसोलेशन ऑफ करते हैं। अब इस स्विच को थोड़ा सा बैक साइड मूव करेंगे। अब अगर इस स्विच को एनिमेट भी करना है, ओके सबको पकड़ के एक बार थ्री प्रेस कर देते हैं पहले, और अगर इस स्विच को हम एनिमेट भी करते हैं ओके, तो यहाँ पे अब हमारे पास एक प्रॉपर स्पेसिंग है जिस स्पेसिंग में हम इसको रख सकते हैं। देखो ये पीछे भी जाएगा तो यहाँ पे हमें हॉलो मिलेगा। ओके सो यहाँ पे एक चीज़ तो हमने कर ली है, अब यहाँ आएंगे और इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। ओके वन 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 कंट्रोल डी एंड इसे मूव करते हैं इधर। ओके एंड अब यहाँ पे ऑलरेडी फोर फेसेस है, तो मैं इन्हीं फोर फेसेस को पकड़ रहा हूँ ओके और इन्हें एक्सट्रूड कर लेता हूँ ऑफसेट। ओके वर्टाइसेस इसे पोजीशन कर लेंगे। ओके एंड फिर से एक बार फेसेस सिलेक्ट करेंगे एंड इसे एक्सट्रूड कर लेंगे ऑफसेट वर्टेक्स। ओके एंड फेसेस में आ जाएंगे, फेसेस डिलीट कर लेंगे, आइसोलेशन में आ जाएंगे क्विकली एंड इसे ब्रिज कर लेंगे। ओके सो एजेस पकड़ लेंगे एंड ब्रिज कर लेंगे। ओके अब वापस एक बार एज एंड कंट्रोल बी, बराबर फ्रैक्शन को रिड्यूस कर देंगे एंड एक सेगमेंट ऐड कर देंगे ओके ऑब्जेक्ट मोड। सो यहाँ पे हमारे पास दोनों स्विच के शेप्स है ओके और यहाँ पे कोई ऐसा डेंट भी नहीं आया है। सो अगर अब मैं आइसोलेशन बंद कर दूँ तो यहाँ पे ये दो स्विचेस हमारे पास है। अब हमें इसे मिरर भी करना है सेकंड साइड, बट पहले हम यहाँ पे जो एलईडी बल्ब से उन्हें मॉडल कर लेंगे, बट इस स्विच को तो मैं मिरर कर ही सकता हूँ, तो इसे क्विकली मिरर करते हैं ऑब्जेक्ट मोड एंड वन प्रेस करते हैं। ओके यहाँ पे डिविजन्स चाहिए हमें फिर से, तो मैं वापस एक बार इसे स्मूथ कर रहा हूँ एंड स्मूथ में इस बार डिविजन्स यूज करेंगे हम टू। ओके ऑब्जेक्ट मोड एंड इसे मैं आइसोलेट कर रहा हूँ, वन प्रेस करते हैं कीबोर्ड पर एंड यहाँ पर ये जो सेंटर के वर्टाइसेस हैं फेस सॉरी वर्टाइसेस नहीं फेसेस। ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ओके ये सिक्स फेसेस मैंने सिलेक्ट कर लिए, इन्हें एक्सट्रूड करते हैं, एक्सट्रूड करके इसे ऑफसेट कर लेते हैं क्विकली ओके इनसाइड एंड ऑफसेट करने के बाद है ना इन फेसेस को मैं एडिट मेश में आ रहा हूँ और सर्कुलराइज कर रहा हूँ। अब सर्कुलराइज करने से वो जो शेप है सर्कुलर शेप वो हमें मिल जाएगा, लेकिन ये ट्विस्टेड है ओके तो मैं पहले तो इसको स्केल कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया। एंड यहाँ पे देखो एक ट्विस्ट एट्रीब्यूट है, इस ट्विस्ट एट्रीब्यूट को अगर मैं यूज़ करता हूँ तो जो हमारा शेप है वो अप्रोक्सीमेटली हम स्ट्रेट कर सकते हैं देखो। ओके सो अराउंड 17.25 यहाँ पे वैल्यू यूज़ हुआ है। अब इसे वापस एक बार एक्सट्रूड करते हैं एंड इसे ऑफसेट देंगे फिर से। ओके ऑफसेट की वैल्यू है 0.04 एंड यहाँ पे अगेन एक्सट्रूड फेस और इसे थिकनेस में हमें पुश करना है। ओके तो ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे वापस, तो यहाँ पे एक
हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे सेम 1 2 3 4 5 6 ओके, इसे भी एक्सट्रूड कर लेंगे ऑफसेट में। ओके, इसे भी सर्कुलराइज करेंगे, एडिट मैश सर्कुलराइज, एंड इसे स्केल करेंगे पहले तो, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो गया है वापस, और आईबॉल कर रहे हैं हम इन वैल्यूज़ को। ओके, तो यहाँ से छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली हमें वो सेम ही साइज़ में चाहिए। ओके, और इसे मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो अराउंड इतना, एंड एक बार वापस मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ ऑफसेट में। ओके, 0.04 वैल्यू यूज़ की थी हमने। ओके, सो वही वैल्यू मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इसे वापस एक्सट्रूड करेंगे थिकनेस में बैक साइड। ओके, सो यहाँ पे हमने दोनों स्विचेस क्रिएट कर लिए। अब एज में आ जाएंगे, इन एजेस को सिलेक्ट करेंगे, ओके, सेम यहाँ पे भी, ओके, एंड डबल क्लिक करेंगे इसको भी, और कंट्रोल भी कर देंगे फॉर बेवल। ओके, इसका फ्रैक्शन इतना ही रख रहा हूँ मैं, और एक सेगमेंट इसमें ऐड कर देते हैं। सो अब अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आई थिंक सेगमेंट्स एक्स्ट्रा आई है, 3 हुई है, सो 2 कर लेंगे। ओके, एंड अब अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ, ओके, तो हमें यहाँ पे यस जो एलईडी बल्ब्स हैं उनके होल्स भी मिल जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखते तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया और ये छोटा दिख रहा है। सो मैं वर्टाइसेस में आ रहा हूँ, 1 प्रेस कर रहा हूँ, एंड इन्हें सिलेक्ट करके आर प्रेस करते हैं और इसे थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट मोड, ओके, वापस 3 प्रेस करेंगे। सो यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेटली सेम साइज में इसे क्रिएट कर लिया। अब मुझे इसे मिरर करना है। ओके, सो क्विकली शिफ्ट राइट क्लिक कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट मोड में सिलेक्ट करके, एंड इसे मैं मिरर कर देता हूँ। ओके, सो ये मिरर हो गया, लेकिन मिरर होने के बाद है ना, आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एजेस आई है, इन्हें हमें डिलीट करना होगा। सिलेक्ट करेंगे डबल क्लिक करके, कंट्रोल डिलीट कर देंगे, सो ये डिलीट हो जाएंगे। ओके, एंड ऊपर भी हमें चेक करना होगा कि कुछ मिसिंग तो नहीं है। वर्टेक्स मोड में भी आके देख लेते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा वर्टाइसेस या कुछ एक्स्ट्रा एजेस तो नहीं क्रिएट हुई है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओके, वर्टाइसेस सिलेक्शन है वहाँ पे। ओके, फाइन, अब ऊपर की तरफ भी एक बार देख लेते हैं, कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। ओके, सो यहाँ पर तो नहीं दिख रही है फिलहाल, है ना, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं, नहीं है तो। सो यहाँ पे हमने एलईडी स्विचेस क्रिएट कर लिए और बटन्स क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पे मैं स्पीयर्स रखने हैं, लेकिन उसे लास्ट क्रिएट करेंगे। पहले इसको आइसोलेशन से बंद करते हैं, एंड यहाँ पे है ना एक ये जो होल है, इस होल को पहले क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सो ये एक्चुअली पहले तो हमें बॉडी पे क्रिएट करना होगा। सो मैं इस बॉडी को आइसोलेट कर लूँगा पहले, एंड अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये स्विच से ऊपर है, एंड ये जो आर्क यहाँ पे है, इस आर्क के थोड़ा नीचे है, तो हमें यहाँ पे एज लूप्स लगेंगे। ओके, तो मैं स्विच को पहले तो यहाँ पे इसके साथ आइसोलेट कर लेता हूँ बॉडी के साथ, एंड यहाँ पे एक एज लूप ऐड कर रहा हूँ। ओके, इंसर्ट एज लूप टूल, एंड एक एज लूप यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब काफ़ी ऊपर हो गया, अंडू करते हैं। ओके, अराउंड यहाँ पे, एंड एक एज लूप मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ओके, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट मोड में आके W प्रेस करते हैं, एंड यहाँ पे मुझे 2 एजेस और चाहिए। सो वो बहुत बड़ा नहीं है, तो मैं मैश टूल्स में आ रहा हूँ, यहाँ से एक्चुअली ऑफसेट एज लूप टूल ले रहा हूँ, एंड यहाँ से 2 एजेस को ऑफसेट कर लेते हैं कुछ ऐसा। अब ये शेप तो हमें क्रिएट करना काफ़ी आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं जाएगा, लेकिन जब हम फ्रंट पैनल पे इसे क्रिएट करेंगे तो उसको होल्ड करना थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है। ओके, तो ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं, इंसर्ट एज लूप टूल लेते हैं, और यहाँ से मुझे एक एज लूप चाहिए इसे होल्ड करने के लिए। अगर हम यहाँ पे होल्डिंग एजेस नहीं डालेंगे तो ये एक्चुअली जो शेप है ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, सो हमें यहाँ पे सारी प्रॉपर एजेस देनी पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पे भी मैं एक एज लूप दे रहा हूँ, वर्टिकली भी हमें इसको होल्ड करना होगा, तो यहाँ पे भी एजेस दे देते हैं। सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी ध्यान रखना होगा, यहाँ पे मुझे एक एज लूप देनी है और यहाँ पे भी एक एज लूप देनी है।
सो ये शेप तो हमने इजीली होल्ड कर लिया, थ्री प्रेस करते तो ये होल्ड हो जाएगा। अब अगर इसका आइसोलेशन बंद कर देते हैं, ओके, तो हमें इस पे सेम शेप चाहिए, तो फ्रंट व्यू में आएंगे, फ्रंट व्यू में आके आइसोलेशन बंद कर देंगे। एंड यहाँ पे अगर मैं फोर प्रेस करता हूँ कीबोर्ड, तो मुझे ये देखना होगा कि ये जो लाइन है, ये देखो ये लाइन मेरी एक्चुअली वर्क ऊपर की जो लाइन है वो है, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास एक एज ऑलरेडी है, इस एज को अगर मैं डबल क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ तो ये वो एज है, ओके। सो आइदर हम इसी एज को यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ पे एक नई एज ऐड कर सकते हैं और इस एज को एज अ होल्डिंग एज ले सकते हैं। बट अगर मैं इसी एज को यूज करता हूँ तो मुझे ध्यान रखना होगा कि ये जो एजेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके, यहाँ पे भी एक एज लगेगी हमें। तो मैं पहले ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ एंड वन प्रेस करते हैं, ओके, वन। एंड यहाँ पे ये जो तीन एजेस हमने डाली है, ओके, वन टू थ्री, तो ये तीन एजेस एक्चुअली हमें, ये ऊपर की जो एज है वो हमारी फर्स्ट एज है, ओके। सो शिफ्ट राइट क्लिक, इंसर्ट आई लुक टूल, एंड यहाँ पे मुझे वो एज चाहिए, ओके। यहाँ पे अगर हम आके देखते हैं तो गलत बॉडी पे मैंने एक्चुअली एज डाल दी है। ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे एंड इस पे हमें चाहिए, ओके। सो ये जो सेंटर ऊपर की लाइन है ये हमारी होल्डिंग गेज है और जो सेंटर की लाइन है वो हमारी राउंड गई है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट एज लुक टूल ले रहा हूँ एंड इसे क्विकली एक एज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ओके। सो इसे ऐड करने के बाद अब आपने ऑब्जर्व किया ही होगा कि ये स्ट्रेट नहीं है, तो मुझे पहले तो इसको स्ट्रेट कर लेना है, ओके। सो एक एज तो मैंने यहाँ पे ऐड कर ली, अब सेकेंड जो एज है वो भी मुझे ऐड करनी है। तो यहाँ पे एक एज है लेकिन वापस अगर मैं इंसर्ट एज लुक टूल ले लूँ और एक एज यहाँ पे भी ऐड कर लो, ओके, आर प्रेस करते हैं और इसको स्केल कर लेते हैं क्विकली स्ट्रेट, ओके। सो यहाँ पे हमने ये वाली एजेस तो ऐड कर ली है, ओके। अब जो फ्रंट की एजेस है उन एजेस को भी हमें यहाँ पे ऐड करना होगा, राइट। सो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ और यहाँ वर्टेक्स मोड में आके ये जो वर्टाइसेस है, ओके, ये वर्टाइसेस, ओके, यहाँ ये एक्स्ट्रा वर्टेक्स कहाँ का है, बैक साइड का होगा, ओके। फ्रंट व्यू में आ जाएंगे हम एंड फाइव प्रेस, फोर प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे और इसे मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। थोड़ा सा टिल्टेड दिखेगा वो, लेकिन मुझे उसको यहाँ पे रखना है, राइट। सो यहाँ पे हमने इन्हें रख लिया है। अब मुझे फेसेस को सिलेक्ट करना है, ओके, यहाँ से लेकर इस फेस तक, और सॉरी यहाँ से लेकर इस फेस तक एंड यहाँ से लेकर इस फेस तक, ओके, इन्हें हम कर देंगे डिलीट, ओके। सेम चीज इनर वर्टाइसेस पे भी करनी पड़ेगी ना, सो इन्हें भी डिलीट कर देंगे। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे और एक एक वर्टेक्स मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा यूज किया है, नहीं नहीं सीधे सी। सो इसको मैं वापस आइसोलेट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे ये जो एजेस है इन एजेस को पहले तो सिलेक्ट कर लेंगे, ओके, एंड इन्हें कर देंगे ब्रिज, शिफ्ट राइट क्लिक एंड ब्रिज, ओके, ऑब्जेक्ट मोड। तो यहाँ पे हमने इसको क्रिएट कर लिया। अब इसे होल्ड भी करना है, ये थ्री अगर प्रेस करता है तो ये होल्ड नहीं होगा, ओके। सो मैं वन प्रेस कर रहा हूँ एंड यहाँ पे
इंसर्ट एज लूप टूल ले रहा हूँ और एक एज लूप यहाँ से ऐड करता हूँ एंड सेकंड एज लूप हम यहाँ से ऐड करेंगे। इसको साइड से भी होल्ड करना पड़ेगा ना, सो साइड का भी हमें यहाँ पे एक एज लूप देना पड़ेगा। ओके सो यहाँ से हमने एज लूप ऐड कर दिए। अब अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो ये कॉर्नर्स स्लाइटली होल्ड हो रहे हैं। ओके सो सेम चीज़ मुझे ऊपर भी करनी है। यहाँ से मैं एक एज लूप ऐड कर रहा हूँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे एंड और 2 इनर मैंने ऐड कर दिए। ओके सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमने यहाँ पे कुछ वर्टाइसेस सॉरी एजेस ऐड कर दिए जो होल्डिंग के लिए है। और अगर मैं W प्रेस करता हूँ एंड 3 प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे, ओके सो ये ऑलमोस्ट इसने इसको होल्ड कर लिया है। सो अब अगर मैं आइसोलेशन को बंद कर दूँ, ओके तो यहाँ पे ये हमारा एक शेप है। ओके और यहाँ पे हमने होल्स क्रिएट कर लिए। अब मैं वापस एक बार इसको आइसोलेट कर लेता हूँ और इसकी ये जो एज है, ओके इस एज को मैं सिलेक्ट करके इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ। ओके एक्सट्रूड करके इसको मैं पीछे पुश कर रहा हूँ और इसको हम कर देंगे सिलेक्ट करके बेवल। कंट्रोल बी एंड 2 सेकेंड्स एंड 3 प्रेस करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक शेप है जो हमें यहाँ पे मिल रहा है। ओके अल्ट 5 प्रेस करेंगे टू टर्न ऑफ वायर फ्रेम ऑन शेडेड। ओके सो अब यहाँ पे है ना, हमें ये पहले तो ये वाला जो फ्रंट पार्ट में ओके इसे मॉडल करना है, राइट। सो इसे मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ क्विकली एंड यहाँ पे अगर मैं एक क्विकली प्लेन क्रिएट कर लेता हूँ, ओके और इसे अगर मैं बाहर की तरफ मूव कर लूँ, इसे स्केल कर लेंगे। ओके एंड इसमें जो डिविजन्स है उन डिविजन्स को हम कर देंगे कम। ओके एंड ये जो फेस है इस फेस को मैं डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पे एज में आके मैं इसको फिर से एक बार डिवाइड कर लेता हूँ। ओके सेम इधर भी एंड ये जो बॉर्डर्स है ना, इन बॉर्डर्स को हम सिलेक्ट करके कर लेंगे एक्सट्रूड। ओके सो वो जो कॉर्नर हमें मिलेगा ना, वो कॉर्नर एक्चुअली हमें यहाँ पे चाहिए। सो यहाँ पे मैंने इसे एक्सट्रूड कर लिया एंड अब अगर मैं यहाँ पे बीच में से इसको काट लूँ, ओके और ये जो फेसेस है इसके बैक फेसेस, इन फेसेस को अगर हम सिलेक्ट करते हैं एंड इन्हें अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो हमारे पास कुछ एक ऐसा शेप है। ओके मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ एंड इसे मैं स्केल कर रहा हूँ एक्चुअली। ओके कुछ ऐसा, ओके एंड थोड़ा सा इधर भी कर लेंगे। अब अगर मैं वर्टेक्स में आता हूँ तो इन वर्टाइसेस को अगर मैं बाहर की तरफ पुल कर लूँ, ओके एक्चुअली मैं यहाँ पे आर्क क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आपने कोई याद होगा तो हमने जब बटन मॉडल किया था, स्विच मॉडल किया था, तब भी हमने कुछ ऐसे ही ज्योमेट्री को क्रिएट किया था। एंड ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं एंड ऑब्जेक्ट मोड में आके मैं इसको पहले तो सेंटर पिवट कर रहा हूँ एंड इसे मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ। ओके ये एक्सट्रूड हो जाएगा तो हमारे पास एक थिकनेस आ जाएगा, राइट। अब इसका जो बैक फेसेस है ना, इन बैक फेसेस को हम कर देंगे डिलीट। ओके एंड इसकी जो एजेस है, बॉर्डर एजेस, इन सभी बॉर्डर एजेस को हम यहाँ पे बेवल कर देंगे। ओके बाय प्रेसिंग कंट्रोल बी ऑन कीबोर्ड और यहाँ पे फ्रैक्शन को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे और यहाँ पे एक सेगमेंट ऐड कर देंगे। अब ये जो कॉर्नर एज है इसे सिलेक्ट करेंगे, इसे एक्सट्रूड करेंगे, इसे एक्सट्रूड करके इनसाइड ले लेंगे एंड फिर से एक बार मैं इसे एक्सट्रूड कर रहा हूँ और इसे मैं पुश कर देता हूँ अंदर। ओके अब अगर मैं यहाँ पे इन एजेस को भी हमें ऑब्वियसली पहले तो बेवल कर लेना होगा, तो डबल क्लिक करते हैं और इसे बेवल कर लेते हैं। ओके कंट्रोल बी एंड यहाँ पे एक सेगमेंट इसमें ऐड कर देंगे। अब ऑब्जेक्ट मोड में आकर अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो हमारे पास वो जो शेप है वो यहाँ पे है एंड इसे मुझे थोड़ा सा स्केल करना है ऊपर एंड मैं इसे स्केल कर लेता हूँ। फ्रंट व्यू में आके पहले तो इसको पोजिशन करना होगा। मुझे ये पता है कि ये स्विच से थोड़ा सा बड़ा है। ओके तो ओके कुछ ऐसा
एंड इसे पोजीशन पर रख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें इसे होल्ड करने के लिए ऑब्वियसली क्यूब भी लगाना है इनसाइड, बट वो डायरेक्टली विजिबल नहीं रहेगा, तो उसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे इसको पुल कर लेता हूँ आउट एंड इसे ऊपर मूव कर लेते हैं, फ्रंट व्यू में आते हैं एंड इसे प्लेस कर लेते हैं यहाँ। इसे मुझे स्केल करना होगा, ओके, एंड यहाँ पे पर्सपेक्टिव में आके इसे एक बार देखते हैं एंड इसे स्केल कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा है। अगर मैं कंट्रोल बी प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे एंड इसमें भी फ्रैक्शन अप्लाई कर दूँ एंड एक सेगमेंट ऐड कर दूँ, तो वो जो बॉर्डर है वो भी स्मूथ हो जाएंगे, ओके। सो यहाँ पे हमने ये फ्रंट जो सेक्शन है उसे कंप्लीट कर लिया है। अब हमें टॉप व्यू में जाना है, ओके। सो अब अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये टॉप पैनल हमें करना है। सो इन सभी को पहले तो सिलेक्ट करके वन प्रेस कर देते हैं, हार्ड सर्फेसिस में कन्वर्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे मुझे एक्चुअली अगर हम इमेज प्लेन देखते हैं तो ये जो है इस पैनल को क्रिएट करना है, राइट। इनसाइड का ज़्यादा डिटेल्स हमारे पास है नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे दो क्यूब्स हमें रखने हैं एंड इस ज्योमेट्री को क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली हमें यहाँ से इसे डुप्लीकेट करना होगा। तो मैं फेसेस सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड फेसेस सिलेक्ट करके शिफ्ट राइट कर लेंगे एंड यहाँ पर डुप्लीकेट फेसेस होता है, ओके। अब यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ क्योंकि ये इनसाइड है, ओके। एंड इसको हम क्विकली इधर से ऐसा स्केल करेंगे, ओके, क्योंकि ये इसके बाहर आना चाहिए ना। एंड ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और ये रहा हमारा सरफेस। अब यहाँ पे इस एज को क्विक सिलेक्शन कर लेंगे, डबल क्लिक करके इसको एक्सट्रूड कर लेंगे ऑफसेट में, ओके, सॉरी थिकनेस में, ओके। एंड इन फेसेस को सिलेक्ट करेंगे और इन्हें कर देंगे डिलीट। अब यहाँ पे ये डार्क दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, दैट मीन्स ये सरफेस रिवर्स है। सो यहाँ पे मैच डिस्प्ले में आ जाएंगे एंड इसको क्विकली रिवर्स कर लेंगे ज्योमेट्री को, ओके। सो अब हमारे पास एक बेस सरफेस है यहाँ पे, ओके। एंड अब यहाँ पे ये क्यूब्स हमें क्रिएट करने होंगे, रेक्टेंगल्स हमें क्रिएट करने होंगे। तो उससे पहले यहाँ पे इस ज्योमेट्री को थोड़ा सा नीचे करना है, देखो, ओके, स्लाइटली, तो ओके ऑलरेडी है। अब यहाँ से मैं एक क्यूब क्रिएट कर रहा हूँ, ओके। और अगर हम ध्यान से देखते हैं ना तो हमें पता चलेगा कि ये जो है ये बैक साइड में है, ओके, फ्रंट साइड में नहीं। सो यहाँ पे मैं टॉप व्यू में आ जाऊँगा एंड इसे स्केल कर लेंगे पहले तो, ओके। एंड अप्रोक्सीमेटली अगर हम इस साइज़ को देखते हैं तो ये इसने 70% एरिया कवर किया हुआ है, देखो यहाँ पे अगर देखते हैं तो अराउंड 70% एरिया इसने कवर किया हुआ है। सो मैं इसको स्केल कर रहा हूँ एंड इसे इधर की तरफ मूव कर लेते हैं थोड़ा सा, ओके, एंड ओके, फाइन। अब पर्सपेक्टिव में आ जाएंगे, पर्सपेक्टिव में आके उससे पहले यहाँ पे हम एक क्विक इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं हमें अगर टॉप पैनल चाहिए उसका तो। लेकिन अगर इसे मैं ऊपर कर लेता हूँ एंड इसे ऊपर करके इन एजेस को हम सिलेक्ट करके पहले बेवेल कर लेंगे तो वो जो कॉर्नर्स है वो कॉर्नर्स हम पहले क्रिएट कर लेते हैं, ओके। सो शिफ्ट सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल बी प्रेस कर देंगे टू बेवेल, ओके। एंड यहाँ पे फ्रैक्शन को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ मैं एंड यहाँ पे सेगमेंट्स ऐड कर देंगे, ओके, थ्री सेगमेंट्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट मोड में आके अब इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, इस फेस को एक्सट्रूड कर लेंगे, ओके, ऑब्जेक्ट फेसेस। एंड ये जो फेसेस हैं ये वाले, ये फेसेस हमें रखने हैं, ओके, और ये जो रिमेनिंग फेसेस हैं ये हमें डिलीट कर देने हैं। तो इन फेसेस को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं शिफ्ट सिलेक्ट करता हूँ तो ये डिसलेक्ट हो जाएंगे और बाकी के सिलेक्ट हो जाएंगे एंड इसे डिलीट कर देंगे, ओके। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे क्विकली एंड इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं आइसोलेट कर रहा हूँ एंड इसको सिलेक्ट करना है, इसे पहले तो सेंटर पिवोट कर लो। एंड सेंटर पिवोट करने के बाद ऑब्वियसली हमें ये इसी लाइन पे चाहिए, तो मैं वी प्रेस कर रहा हूँ एंड
वाई एक्सिस में इसे स्नैप कर लेंगे, ओके। एंड अब क्विकली मुझे इसी ज्योमेट्री को मिरर करना है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा एंड इसे कर दूंगा मिरर। अब मिरर ऑप्शंस में आके मुझे इसको नेगेटिव एक्स में मिरर करना है, तो मेरी सेटिंग्स ऑलरेडी है तो मैंने वहाँ पे नेगेटिव एक्स में से मिरर कर दिया। अब इन तीनों शेप्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड इन तीनों शेप्स को सिलेक्ट करके यहाँ से हम कर लेंगे कंबाइन, ओके। अब हमें सिर्फ इन्हें कनेक्ट करना है, ओके। ब्रिज अगर मैं करता हूँ तो ये कनेक्ट हो जाएंगे। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉपरली एक प्लेन पे नहीं है तो हम वर्टाइसेस सिलेक्ट करके इन सभी के इन्हें अगर स्केल कर देंगे तो भी ये सेम प्लेन पे आ जाएंगे, ओके। सो ऑब्जेक्ट मोड, एंड अब इन्हें ब्रिज करना है। तो ब्रिज करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, ओके। अगर हम इन्हें भी पकड़ के ब्रिज कर दें तो ये भी यहाँ पे आ सकता है, सो देखते हैं, ओके। सो यहाँ पे ब्रिज, ओके। एंड यहाँ पे अगर मैं एक एज दे देता हूँ तो हमें एग्जैक्टली यहाँ सेंटर में एक एज मिल जाएगी एंड यहाँ पे ये फेस हमें मिल जाएगा, ओके। अब यहाँ पे तो हमने इसको ब्रिज कर लिया है, मुझे यहाँ पे एक एज लूप लगेगा, देखो। तो मैं इंसर्ट एज लूप टूल ले रहा हूँ एंड यहाँ पे एक एज लूप डाल देता हूँ, ओके। एंड अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मुझे यहाँ पे भी एक एज लूप चाहिए, तो मैं यहाँ एक एज लूप दे रहा हूँ और यहाँ पर एक एज लूप क्रिएट कर रहा हूँ। अब अगर मैं इन एजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, मुझे इस एज को सिलेक्ट करना है, इस एज को सिलेक्ट करना है, ओके, इसको और इसको, ओके, इसको और इसको, एंड हम क्विकली इसको ब्रिज कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक एज है एंड ये एक एज है, इसको भी हम ब्रिज कर लेंगे एंड इसको इसके साथ ब्रिज कर देते हैं। अननेसेसरी एक एज ऐड करने के बजाय मैंने क्विक यहाँ पे ब्रिज कर लिया। अब यहाँ पे देखो ये एक एज है, तो हमें ऑब्वियसली यहाँ पे एक एज लुक तो लगेगा, तो मैंने मल्टी कट टूल ले लिया और यहाँ पे इसको एक एज लुक ऐड कर दिया। अब अगर इसको और इसको सिलेक्ट करते हैं एंड ब्रिज कर देंगे तो ये एरिया हमारा ब्रिज हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें एक और एज लुक चाहिए, तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ एंड यहाँ पे एक एज लुक ऐड कर लेता हूँ, ओके। एंड इस एज को और इस एज को मैं ब्रिज कर लूँगा, ओके। एंड इस एज को और इस एज को हम ब्रिज कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमने इस पोर्शन को तो यहाँ पे ब्रिज कर लिया। अगर मैं क्विकली इसको मिरर कर देता हूँ दूसरे साइड में तो हमें सेकंड साइड भी ज्योमेट्री क्लियरली दिखनी शुरू हो जाएगी। तो मिरर में आ जाएंगे और इसको मिरर करेंगे। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये देखो ये ओवरलैपिंग हो रहा है। इसका रीज़न है इसका जो मर्जिंग है वर्टाइसेस का वो एक्चुअली थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा है, इसको हमें रिड्यूस करना होगा, ओके। सो यहाँ पे मैंने थ्रेशोल्ड रिड्यूस किया तो यहाँ पे हमें प्रॉपर ज्योमेट्री मिल रही है। अब यहाँ पे इंसर्ट एज लुक टूल लेंगे एंड यहाँ पे एक एज लुक चाहिए तो हम क्विक एक एज लुक यहाँ पे डाल देंगे और इस एज को भी मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, ओके। सो एज एज, ओके, एंड ब्रिज ऑब्जेक्ट मोड। एंड अब यहाँ पे अगर हम आते तो यहाँ पे देखो हमारे पास तीन एजेस हैं, ओके। सो मैं इन एजेस को सिलेक्ट करके थोड़ा सा डिवाइड कर ले, थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, ओके। एंड अब एज में अगर मैं आता हूँ तो मुझे पता है कि ये वाली एज और ये वाली एज अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ मेरे पास ये दो फेसेस है, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और डिवीजन क्रिएट कर लूँ तो हमारे पास मेरे ख्याल से उसको कनेक्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस हो जाएगी। सो वन टू एंड वन टू इन्हें ब्रिज करेंगे, ओके। अब यहाँ पे हमें इसको ब्रिज करना है तो मैं एक एज क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, कंट्रोल प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे एक एज दे देंगे इस एज को एंड इस एज को सिलेक्ट करके क्विकली ब्रिज कर देंगे। अब यहाँ पे हमने इतना तो ब्रिजिंग कर लिया। अब ये अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लूँ ब्रिज, तो यहाँ पे हमने इसको कुछ ऐसा कनेक्ट किया। अब यहाँ से एक एज हमारे पास है ऑलरेडी, मैं यहाँ पे एक एज दे रहा हूँ इंसर्ट एज लूप टूल और मल्टी कट टूल और यहाँ पे एक एज दे देंगे एंड यहाँ पर एक एज दे देंगे। तो होगा क्या कि जब मैं इस एज को यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा ब्रिज,
ओके एंड ये जो है ऑब्वियसली यहाँ पे फोर लाइन्स हमें मिल रही है, तो मैं यहाँ पे भी क्लियरली ब्रिज कर सकता हूँ। ओके ओके सो अब एक एज लूप अगर मैं रन कर लूँ, ओके सो ब्रिज एंड ब्रिज, ओके अब यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, अंडू करेंगे इसको पहले। ओके सो इसे सॉल्व करना होगा, ओके ये फ्लैट सरफेस है, इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। तो अगर मैं इसको ब्रिज कर लूँ एंड यहाँ पे अगर मैं इंसर्ट एज लूप टूल लेके एक एज लूप ऐड कर देता हूँ, नहीं यहाँ से हमें एज लूप ऐड करना होगा, ओके एंड यहाँ अब अगर हम देखते तो हमारे पास फ्लैट सरफेस पे ये वर्टेक्स पॉइंट मिल जाएगा और ये जो वर्टेक्स पॉइंट है यहाँ से हमें स्क्वायर दे रहा है। तो मैं क्विकली एजेस में आ रहा हूँ और इनको सिलेक्ट करके इसको और इसको सिलेक्ट करके ब्रिज कर देता हूँ। ओके सो यहाँ पे ये फिल हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। तो अब हमने इसको हाफ कर लिया है, मैं इसको सिंपली मिरर कर दूंगा इस साइड में और इसका जो थ्रेशोल्ड है इसे हम पहले काम कर देते हैं। ओके अब ऑब्जेक्ट मोड में आकर देखते, तो ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक शेप है। अगर मैं इसका आइसोलेशन ऑफ कर दूँ तो हमें पता चलेगा कि हमने यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर लिया। अब हार्ड सर्फेसिस में यही बेनिफिट होता है कि हमें ज़्यादा और स्पेसिफिकली अगर वो फ्लैट सर्फेस पे प्लेन सर्फेस पे तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होते। वही अगर ये चीज़ हमें फ्रंट पैनल पे करनी होती तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे फेस करने पड़ते। बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक हो चुका है, तो मैं इसको एक्सट्रूड कर लूँगा क्विक थिकनेस में। ओके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे एंड इसको है ना थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश कर देंगे। ओके अब ये नीचे की तरफ पुश करने के बाद इसको एक बार वापस आइसोलेट कर लेंगे, इसकी जो एजेस है उन एजेस को सिलेक्ट कर लेंगे क्विकली। ओके सेम, ओके सारे कॉर्नर हमने सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल बी प्रेस कर देंगे टू बेवल। ओके एंड यहाँ पे मैं एक सेगमेंट इसमें ऐड कर देता हूँ, दैट मीन्स टू सेगमेंट्स ऑब्जेक्ट मोड। एंड अगर मैं इसको थ्री प्रेस करता हूँ तो हमारे पास ये शेप है। ओके अब अगर मैं यहाँ से आइसोलेशन बंद कर दूँ एंड इन सबको पकड़ के अगर मैं थ्री प्रेस करता हूँ तो ये हमारा ज्योमेट्री यहाँ पे है। ओके यहाँ पे एक्चुअली हमने थ्रेशोल्ड का ध्यान नहीं रखा जब हमने इसको मिरर किया था, तो मैं अंडू कर रहा हूँ क्विकली। वन यहाँ पे देखो यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्टाइसेस हो रहे हैं या फिर यहाँ पे कोई फेस नहीं। तो अगर वन प्रेस में करता हूँ और अगर मैं वर्टाइसेस में आता हूँ थ्री प्रेस करके और इन वर्टाइसेस को अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ, वन अगेन, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फेस दिखाई दे रहा है मुझे इन साइड। ये देखो इन फेसेस को सिलेक्ट करो और इनको डिलीट कर दो। इन वर्टाइसेस को सिलेक्ट कर देंगे ओके ऑब्जेक्ट कोड। अब वन प्रेस करेंगे एंड इसे हम क्विकली बेवल कर देंगे। सो ध्यान रखना होगा कि कहीं गलती से हमने डबल
टू टाइम्स एक्सट्रूड तो नहीं कर लिया वहाँ पे, शायद मैंने मल्टीपल एक्सट्रूड्स कर लिए थे एक ही सरफेस पे, तो उस वजह से शायद वो इशू क्रिएट हुआ था। ओके, इसको बेवल करेंगे, इसमें दो सेगमेंट्स हम यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे एंड थ्री प्रेस करते हैं। ओके, सो अब वहाँ पे वो इशू नहीं हो रहा। ओके, सो इसको थोड़ा नीचे करना है। ओके, तो अब क्विकली ये जो इनसाइड सरफेस है इस पे काम करते हैं, और यहाँ पे ज़्यादा ज्योमेट्री हमारे पास है नहीं और रेफरेंस इमेजेस भी हमारे पास है नहीं, तो मैं यहाँ पे एक बेसिक सा क्यूब ले रहा हूँ, टॉप व्यू में आ जाता है और इसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ। वर्टाइसिस में आके मुझे इसको थोड़ा सा स्केल करना होगा उस तरह। ओके, सो रेक्टेंग क्यूब हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया एंड इसको मैं स्केल कर रहा हूँ क्विक। मैं वर्टाइसिस में आ जाता हूँ, वर्टाइसिस में आके इन वर्टाइसिस को मुझे इधर रखना है, ये थोड़ा सा इससे बड़ा रहेगा ऑब्वियसली, एंड इन वर्टाइसिस को हम इधर रख लेते हैं एंड इसको मुझे इधर की तरफ मूव कर देना है। ओके, सो मेक श्योर कि ये उस शेप से थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि वो उस सरफेस को वहाँ से कवर कर लेगा, राइट। सो यहाँ पे मैं पर्सपेक्टिव में आ रहा हूँ, पर्सपेक्टिव में आके अगर मैं क्विकली ऑब्जेक्ट मोड में आके इसको ऊपर की तरफ मूव कर लूँ तो ओके, एंड इस फेस को पकड़ रहा हूँ मैं एंड इसको हम कर देंगे नीचे की तरफ पुश कुछ इतना। ओके, ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे, ऑब्जेक्ट मोड में आके इसको सिलेक्ट करेंगे फेस को एंड इस फेस को मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ क्विकली ऑफसेट में। ओके, स्लाइट एक्सट्रूजन करना है एंड इसको हम वापस एक बार एक्सट्रूड करेंगे इनसाइड। ओके, ताकि वो जो ओके ऑब्जेक्ट मोड एंड कंट्रोल बी प्रेस कर देंगे, इसको बेवल कर देंगे और इसमें एक सेगमेंट ऐड कर देंगे ऑब्जेक्ट मोड। तो अब अगर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये सरफेस है, इसको मुझे सिंपली मिरर करना है तो मैं इसको मिरर कर देता हूँ। ओके, एंड अब यहाँ पे मैं कुछ इसको ऐसा रेंडर करूँगा तो ये ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, यहाँ पे ये इतना ज़्यादा डिटेल्ड नहीं दिखेगा रेंडर व्यू में। ओके, सो अब अगर मैं रेफरेंस इमेजेस में आ जाता हूँ तो नेक्स्ट जो पार्ट मुझे क्रिएट करना है वो है ये, यहाँ पे जो मेटालिक ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट करना है। ओके, सो ये आर्क यहाँ तक आया हुआ है। ओके, वन प्रेस करते हैं, इस आर्क लाइन तक है, राइट, और इस आर्क लाइन तक है। तो मैं यहाँ से एक एज लूप ऐड कर रहा हूँ, इंसर्ट एज लूप टूल। ओके, एंड कुछ इतना। ओके, अब इस फेस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ तक। ओके, और इन फेसेस को हम शिफ्ट राइट क्लिक करके एक्सट्रूड कर लेंगे, सॉरी डुप्लीकेट कर लेंगे। ओके, एंड डुप्लीकेट करने के बाद मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में आके एंड इसको अगर हम एक्सट्रूड कर लेते हैं थिकनेस में तो यहाँ हमारे पास ये रहेगा। ओके, अब अगर मैं एजेस में आ जाता हूँ और इन एज लूप्स को सिलेक्ट करके क्विकली बेवल कर दूँ, मल्टीपल सिलेक्शन हमें करने हैं यहाँ पे, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ दोनों एक साथ और यहाँ पे ऐड सिलेक्शन कर रहा हूँ एंड यहाँ पे कंट्रोल बी प्रेस कर देंगे फॉर बेवल एंड इसको मैं कर दूंगा टू सेगमेंट्स ऑब्जेक्ट मोड। अब इसको डुप्लीकेट कर लेंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल डी एंड मूव टूल लेंगे, इसका पिवोट मैं सेंटर कर रहा हूँ एंड इसको हम कर देंगे नीचे की तरफ मूव। ओके, फिर से एक बार मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमने इसको भी क्रिएट कर लिया। अब अगर मैं सबको सिलेक्ट करके थ्री प्रेस करता हूँ तो ये हमारा बेसिक जो टोस्टर का मॉडल है उसे हमने रेडी कर लिया है। ओके, अब इसको मटेरियल करना है एंड लाइटिंग करना है। ओके, सो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब मॉडलिंग सेक्शन तो हमने इसका कंप्लीट कर लिया है, अब रेंडरिंग एंड टेक्सचरिंग हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। ओके, सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ओके,
सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी मॉडलिंग।